नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। हर कोई अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक है। भविष्य की चाह किसको नहीं होती। कौन नहीं चाहता अपने बारे में जानना, कुछ लोग सामने और कुछ लोग छुप कर, लेकिन लालसा सभी के मन में है। तो इसी लालसा की पूर्ति करने के लिए मैं आज आई हूँ यहाँ पर 2020। जी हाँ, 2020 का मार्च का महीना कैसा जाने वाला है आपकी राशि के लिए। सर्वप्रथम बात करेंगे हम टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए मेष राशि वालों के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स मेष राशि वालों के लिए आज। जी हाँ, मैंने कार्ड निकाले हैं, अब मैं बात करती हूँ कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन। तो जी, बहुत ही अच्छी खबर है, यही यहाँ पर भगवान पूरा आपका साथ देने वाला है। जो ये कार्ड बना है, ये कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स। जी हाँ, आपका साथ देने खुद भगवान आने वाले हैं। ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी, समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और जल्दी ही आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ को लेके आप लापरवाही ना भुगतें। कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक हो, आजकल मौसम बदल रहा है। देखिए दोस्तों, मौसम के हिसाब से चलना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और फागुन मास अपने आप में, इसमें जैसे ही मौसम का बदलाव होता है, होलिका दहन के बाद में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे टाइफाइड और अलग अलग तरह के बुखार हो रहे हैं, तो आपको खुद सावधानी बरतनी है। और तीसरा कार्ड जो आया है, वो कार्ड हमें दिखा रहा है कि ठीक है, आपके काम बहुत अच्छे होंगे, आप रुआबदाब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को भी थोड़ा सा पीछे हटकर चलिए। आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ी सी सावधानी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और साथ ही साथ आप जो काम करने वाले होंगे, उसके आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आपका लिया हुआ कोई फैसला शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा टफ लगे आपको, लेकिन उससे जो बाद के रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही अच्छे फल देने वाले होंगे। तो अगले राशि के लिए आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगली बात करेंगे हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में।